18 सेंचुरी में एक साइकोलॉजिस्ट हुए फ्रांस ब्रेंटानो। उन्होंने साइकोलॉजी के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। और वो कंट्रीब्यूशन क्या है, उन्होंने ह्यूमन कॉन्शियसनेस को स्टडी किया और उन्होंने ये पाया कि ह्यूमन माइंड का बेसिक नेचर है कि वो उस चीजों को ढूंढता है जो उसके पास नहीं होती है। जो चीज आपके पास नहीं होंगी या फिर जो चीजें आपको नहीं मिलेगी वो हमेशा आपको बड़ा होके ही दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज को बहुत ज्यादा डेस्परेटली चाहते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ध्यान वहीं जाएगा। हमें उन चीज की वैल्यू नहीं होती है जो हमारी आंखों के सामने होती है या फिर जो हमारे पास इजीली अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, पानी। पानी की वैल्यू हमें तब तक समझ में नहीं आती जब तक उसकी कमी ना हो जाए। तो इसीलिए हम दूसरों में भी वही चीजें देखते हैं जो हमारे पास खुद के पास नहीं होती हैं।